निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत घोषणा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के, जिसे नामत निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे, इस बात के सिवाय कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को राज्यसभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए। महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं, कल इस सभागृह ने राष्ट्रपति महोदय के इस मंशा को संकल्प के रूप में पारित किया था, बाद में मैंने राज्यसभा के सामने विधेयक रखा था, राज्यसभा का अनुमोदन हो गया है और ये विधेयक को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक राज्यसभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए। माननीय गृहमंत्री जी, आपने अभी एक रेजोल्यूशन को पाठ किए हैं, मैं दूसरे एक रेजोल्यूशन की बारे में आपको कहना चाहता हूं। 1994 22 फरवरी इस सदन में एक संकल्प लिया गया था, वो ये है दैट जम्मू एंड कश्मीर वाज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट पाकिस्तान मस्ट वैकेट पार्ट्स ऑफ द स्टेट अंडर इट्स ऑक्यूपेशन, द टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन फॉलोज। ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, लेकिन आपको कोई कहने में मुझे ये नहीं लगता कि आप पीओके के बारे में सोच रहे हैं। आप तो रातों रात सारे नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, लेकिन सर एक मिनट सब जनरल बात नहीं होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कौन सा नियम तोड़ा है वो बता दे, मैं उसका उत्तर दूंगा। वो तो इस तरह से जनरल बात नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए, वो तो हमारा देश है, सबसे बड़ी पंचायत, हमारे नियम कौन सा तोड़ा है बता दीजिए प्लीज। गृहमंत्री जी सारे दिन चर्चा होगी, आज सारे दिन चर्चा, आप बोलो, चर्चा भाग लेना, ये तो हमारे स्पीकर है। महोदय, अभी नियम नहीं है तो चर्चा में बोले। अच्छा ठीक है। अच्छा श्री मनीष तिवारी जी, एक मिनट सर, ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहाँ यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से, तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना, एक मिनट मेरे को, एक मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज बोलने दीजिए, एक मिनट सुनिए मुझे, प्लीज बोलिए, एक मिनट मुझे सुनिए साहब, इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है, इतना स्पष्ट कर दे एक बार।
प्रशासन मॉनिटर कर सकते। आपने अभी कहा मैं अब गलत फहमी मत फैलाइए। मेरा कहने बोलने दीजिए मेरे को। एक मिनट साहब मैं आप बोल दीजिए। चले बोल दीजिए, बाद में बोलने दीजिए मेरे को। आप पूरा बात कीजिए। मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं गृहमंत्री जी। मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं और कुछ नहीं। हमें जानकारी चाहिए और कुछ नहीं। सारे चीज स्पष्टीकरण नहीं होता इसलिए मैं पूछना चाहते हैं। आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर सिमला एग्रीमेंट किए, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन किए, तो ये सारे चीज होते हुए ये कैसे इंटरनल मैटर माना जाएगा ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी पोम्पियो से बात किया, उस समय भी ये कहा गया कि ये बायलैटरल इशू है, हमको ये सुलझाना चाहिए। तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा। नहीं ये चीज आप इंटरनल है या ये बायलैटरल है, और आप ये क्या खुद कर सकते हैं? और अगले दिन क्या सिमला चुक्ति लाहौर समझौता नहीं रहेगा? ये हम जानकारी, ये आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो मर्जी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमें जानना चाहिए। सारे जम्मू घाटी को कैद खाना बना दिया, जम्मू कश्मीर की कोई नहीं, जम्मू कश्मीर की बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। ये लाखों की तादाद में फोर्सेस है, लेकिन आप अमरनाथ यात्रा बंद कर दिया। अब मैं बंद कर दिया, ये क्या हो रहा है? अधीर रंजन जी आपके नेता, आपको जो बोलना है पूरी बात बोलना। अधीर रंजन प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी प्रस्ताव बिल के बारे में नहीं, बिल के बारे में बाद में। साहब इन्हें बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुग्रह है। साहब इन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा है, मैं क्लैरिफिकेशन में एक क्लैरिफिकेशन पूछता हूं कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में पेंडिंग है और यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बगैर मैं क्या ऐसे ये बिल लेकर कैसे आया? एक मिनट बैठ जाओ भाई। मैंने कहा आर वन में आप एक बोल देना। नहीं, हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। चेयर पे नो कोई डिस्टर्बेंस। माननीय गृह मंत्री जी, रिक्वेस्ट है कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं संसद के पटल पर बोलूंगा तो रिकॉर्ड पर जाएगा। मेरा इनसे निवेदन है, कृपया वो रिपीट कर दे कि वो क्या कहना चाहते हैं। भले दो मिनट सदन का व्यय हो साहब, ये बहुत जरूरी है, ये जरा रिपीट कर दे। सर बड़ी बड़ी खुशी है सर, अमित शाह जी बड़ी खुशी। मेरा ये जानना, मैं शंका में हूँ क्योंकि आप कहते हैं ये इंटरनल मैटर है, हो गया। आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं वो का इंटरनल मामला है नंबर वन। सिमला एग्रीमेंट लाहौर समझौता हम लोग किए थे वो का इंटरनल मामला थे, ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धागिया उड़ा के हमें समझाना चाहिए, हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप गलत कर रहे हैं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं। I want to be enlightened by you, the entire Congress party, it is a fundamental question, I want to be enlightened। गलत फहमी मत करिए,
आप ऐसा माहौल बना, आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस देश देश की हित नहीं चाहते, ऐसा माहौल मत खड़ाइए, नहीं कभी नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको जब पूरा बोलने का मौका दिया है तो गृह मंत्री जी की आप पूरी बात सुने। मैं माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य को हूं, आप किसी को गृह मंत्री नहीं बनाया है, आप बीच में जवाब मत दीजिए। आप भी माननीय गृह मंत्री जी की पूरी बात सुनिए, जब आपने आपको मैंने मौका दिया है तो जवाब भी पूरा सुनना पड़ेगा माननीय गृह मंत्री जी। सभापति महोदय, मैं आपको मौका दूंगा, आप बैठ जाए, पहले आप बैठ जाए, बीच में नहीं, आपको मौका दूंगा माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज विराजे।